Hello and welcome to the Sardanice Academy. In this segment, we are going to discuss about the religion and the religious aspects of Buddhism and Jainism. So what happened? We have already discussed about the Indus Valley civilization and then about the Vedic culture. So Vedic culture mein kya hua ki in the later Vedic age, people were more focusing on rituals rather than worship. तो मतलब कर्म कांड को ज़्यादा वो प्रधानता दे रहे थे कर्म करने की बजाय. तो कर्म की बजाय कर्म कांड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे लेटर वैदिक एज में, जिसकी वजह से लेटर वैदिक एज में जो लोकल लैंग्वेजेस थी ये लोकल लैंग्वेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट हो गई. और उन लोकल लैंग्वेजेस में जो रिलीजन्स डेवलप हुए उन रिलीजन्स को लोगों ने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया और वैदिक एज को, वैदिक कल्चर को, वैदिक धर्म को छोड़ना शुरू कर दिया. तो इसी वजह से संस्कृत एलीट क्लास की लैंग्वेज बन चुकी थी, रिचुअल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे. तो पाली लैंग्वेज में, पाली लोकल लैंग्वेज थी और इस पाली लैंग्वेज में जो रिलीजन डेवलप हुआ इस रिलीजन को नाम दिया गया बुद्धिज़्म. तो ये बुद्धिज़्म था पाली लैंग्वेज में डेवलप होने वाला रिलीजन. और प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में जैन ट्रेडिशन डेवलप हुआ, जैनिज़्म डेवलप हुआ. तो ये पाली और प्राकृत लैंग्वेज बिकेम मोर प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू संस्कृत. तो इसीलिए ये नए रिलीजन डेवलप होते हैं आफ्टर वैदिक एज. तो वैदिक एज जो थी 600 बीसी तक इंडिया में चलती है और 600 बीसी के बाद, आफ्टर 600 बीसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद इंडिया में ओरिजिन होता है जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे न्यू रिलीजन्स का. वैसे इन्हें न्यू रिलीजन्स नहीं कहा जाना चाहिए, इवन जैन धर्म को तो न्यू रिलीजन नहीं कहना चाहिए क्योंकि जैन धर्म के जो सबसे पहले प्रोपाउंडर थे ऋषभदेव या आदिनाथ, उनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है. तो ये ऋग्वेद के टाइम के, ऋग वैदिक एज के टाइम के ये ट्रेडिशन है, जैनिज्म है. तो इन्हें नया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ बुद्धिज्म तो बिल्कुल न्यू, बिल्कुल ओरिजिन, बिल्कुल लेटेस्ट रिलीजन था आफ्टर कल्मिनेशन ऑफ वैदिक एज. तो ये आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म के बारे में. तो देखिए होता क्या है कि बुद्धिज्म के प्रोपाउंडर माने जाते हैं भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा. और इन लॉर्ड बुद्ध का जो बचपन का नाम था ये था सिद्धार्थ. तो सिद्धार्थ या गौतम, इन्होंने इस धर्म को स्टार्ट किया. ही वॉज बॉर्न एंड रेज्ड एज क्षत्रिय प्रिंस. तो ये एक क्षत्रिय राजवंश में पैदा होने वाले प्रिंस थे और फिर बाद में इन्होंने असेटिक लाइफ को डेवलप किया. असेटिक लाइफ इन्होंने पूरी ज़िंदगी भर जी और सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया. ही लिव्ड अ शेल्टर्ड लाइफ अंटिल वन डे व्हेन ही टूर्ड हिज स्टेट. सिद्धार्था वॉज शॉक्ड एट द पेन एंड सफरिंग ही ऑब्जर्व. तो देखिए हुआ क्या कि जब सिद्धार्थ का जन्म होने वाला था, लॉर्ड बुद्धा का जन्म होने वाला था, इनकी माता थी महामाया और इनके पिता थे शुद्धोधन. ये शुद्धोधन जो थे ये यात्रिक शाक्य राजवंश के राजा थे. और शाक्य राजवंश के राजा होने पर जब महामाया के गर्भ में महात्मा बुद्ध थे तो उनको स्वप्न में कुछ आकृतियां दिखाई दी, जैसे कमल दिखाई दिया, जैसे हाथी दिखाई दिया. तो कमल और हाथी का मतलब क्या है, तो ये ज्योतिषियों से पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी जो संतान होने वाली है ये बहुत ज़्यादा प्रतापी होगी, लेकिन आपका राजपाट नहीं संभालेगी, वो साधु संन्यासियों का जीवन व्यतीत करेगी. तो शुद्धोधन डर गए कि उनके तो एक ही संतान है
और अगर वो भी नहीं रही तो फिर इस राजवंश को कौन संभालेगा। तो उन्होंने अपने बेटे को कभी भी दुख क्या होता है, कष्ट क्या होता है, ये सब कुछ पता ही नहीं चलने दिया और बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ दी। 16 साल की एज में तो उनकी शादी कर दी गई और उनकी शादी हुई यशोधरा से। यशोधरा से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। और 29 की एज तक आते आते, 29 वर्ष की एज तक आते आते जब उनका बर्थडे आया, 29th बर्थडे, तो उन्होंने बिना बताए अपने चैरिटियर चन्ना के साथ वो निकल गए अपने राज्य में घूमने के लिए। तो जब राज्य घूम रहे थे तो रास्ते में उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी जो उन्होंने आज तक कभी देखी ही नहीं थी। उन्हें एक डेड बॉडी दिखाई दी, उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। तो उन्होंने इन सब का मतलब पूछा तो चन्ना ने बताया, इट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, एवरीबडी हैज़ टू बी सिक, एवरीबडी हैज़ टू बी इल, एवरीबडी मस्ट हैव टू डाई, एवरीबडी मस्ट हैव टू गेट ओल्ड। तो ये सब चीज़ें चन्ना ने बताई। और चन्ना ने जब इन सब चीज़ों को बताया तो उनका हृदय बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गया कि अभी तक इतने सालों से मैं जो जी रहा था वो तो सब फेक था, अब रियलिटी तो ये है कि सब व्यक्ति जो हैं एक ना एक दिन बीमार होते हैं, फिर उन्हें वृद्धावस्था आती है, बूढ़े होते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इतना जब दुख है संसार में, इतना कष्ट है, मुझे इस कष्ट के बारे में मालूम ही नहीं था, मुझे कुछ करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो वो उसी रात छोड़ देते हैं अपना राजपाट और परिवार। और ये घटना जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। फिर महाभिनिष्क्रमण हो जाता है, 7 साल तक इधर उधर साधु संन्यासियों का वो जीवन जीते रहते हैं, व्यतीत करते रहते हैं। फिर एक दिन उनको अलारा कलामा नाम के एक व्यक्ति मिलते हैं, अलारा कलामा। तो अलारा कलामा को ये अपना गुरु बना लेते हैं और अलारा कलामा के बताए हुए मार्ग पर चल करके ये बिहार में बोध गया में पहुंचते हैं। गया नामक स्थान पर उरुवेला के नाम से इसको एड्रेस किया गया है। उरुवेला के नाम से गया को एड्रेस किया गया है बुद्धिस्ट लिटरेचर में। तो ये उरुवेला में गया में पहुंचते हैं और वहां पर निरंजना नदी को आजकल पुनपुन रिवर कहा जाता है। पुनपुन रिवर ये बिहार में बोधगया के में है, पुनपुन रिवर। तो ये पुनपुन रिवर के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, पीपल ट्री के नीचे अपनी तपस्या स्टार्ट करते हैं। और वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, एनलाइटमेंट प्राप्त होता है। और जब इन्हें एनलाइटमेंट होता है तब ये महात्मा बुद्ध कहलाने लग जाते हैं। तो इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाने लगा है। तो ये निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। His followers began calling him Buddha and enlightened one. तो बुद्धा का मतलब ही होता है enlightened one, the enlightened one, बुद्धा, जिसको सभी ज्ञान प्राप्त हो जाएं, वो बुद्ध हो जाता है, enlightened हो जाता है। तो इसका मतलब ही यही होता है enlightened one। तो इनके कई सारे नाम मिलते हैं, मतलब सिद्धार्थ तो था ही बचपन का नाम, सिद्धार्थ के अलावा बुद्धा हुआ, और इन्हें तथागत भी कहा जाता है, तथागत। तो तथागत नाम भी इनका मिलता है। इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बुद्ध हो गए, तो सबसे पहला उपदेश दिया इन्होंने बनारस के पास, एक जगह है सारनाथ, सारनाथ में। और सारनाथ में इन्होंने 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले अपना शिष्य बनाया और संघ की स्थापना की। संघ वॉज एस्टैब्लिश्ड एट सारनाथ। और सारनाथ में जब अपना पहला प्रवचन दिया तो ये घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन।
इसे टर्निंग ऑफ व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग ऑफ व्हील से इसे शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन्होंने 5 लोगों को संघ में शामिल किया और इनकी जो सबसे पहली महिला शिष्या थी वो इनकी माता थी, क्योंकि इनकी माता जो थी महामाया, महामाया की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई, तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनको इनकी माता बनी और इनकी माता बन करके इनको देखभाल किया, इनको बड़ा किया, इनको डेवलप किया। तो इनकी जो सौतेली माँ मतलब इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, वही इनकी पहली महिला शिष्या भी बनी सारनाथ में। तो अगर पूछा जाता है कि सबसे पहली बार इन्होंने अपना प्रवचन कहाँ दिया, तो सबसे पहली बार प्रवचन दिया था सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा प्रवचन कहाँ दिए, तो सबसे ज़्यादा प्रवचन इन्होंने दिए थे कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। श्रावस्ती में मैक्सिमम प्रवचन, मैक्सिमम सेरेमन्स इन्होंने श्रावस्ती में ही दिए। सारनाथ में तो पहला दिया था। तो यहां पर अब प्रजापति गौतमी बिकेम द फर्स्ट लेडी डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। अब इन्होंने जो सेरेमन्स दिए, जो इन्होंने अपने उपदेश दिए, इन उपदेशों में 4 नोबल ट्रुथ्स को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। और ये जो 4 नोबल ट्रुथ्स थे, 4 जो आर्य सत्य थे, ये 4 आर्य सत्य इन्होंने बताए, दुख, दुख समुद्र, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ऑल पीपल सफर एंड नो सॉरो, मतलब सारे जितने भी संसार में लोग हैं वो सब दुख सहते हैं, दुख जानते हैं, दुख कष्ट सब भरे पड़े हैं। पीपुल सफर बिकॉज देयर डिजायर्स बाइंड देम टू अ साइकिल ऑफ रीबर्थ। तो इन्होंने दुख का कारण बताया कि डिजायर्स दुख का कारण है। फिर इन्होंने कहा पीपल कुड एंड देयर सफरिंग बाय एलिमिनेटिंग देयर डिजायर्स। तो अगर ये इच्छा ही ना करें, एलिमिनेट कर दें डिजायर्स को, तब ये दुख होगा ही नहीं। तो दुख ना होने का कारण इन्होंने कहा कि दुख का इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। अब फिर इच्छाओं का त्याग करना इतना आसान काम तो है नहीं। वी आर लिविंग पर्सन्स, वी आर लिविंग एंटिटीज, एंड इफ यू आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर डोमेन देन यू मस्ट हैव बी अ डिजायर दैट यू हैव टू फुलफिल दैट डिजायर, दैट्स वाई यू आर लिविंग। तो अगर आप डिजायर नहीं छोड़ पा रहे हो, इन्होंने कहा कि अगर आप डिजायर नहीं छोड़ पा रहे हो, तो फिर ऐसा करते हैं, एक बीच का रास्ता निकालते हैं, एक मिडिल पाथ डेवलप करते हैं। वन कुड एलिमिनेट देयर डिजायर्स बाय डूइंग बाय फॉलोइंग दी 8-fold पाथ। तब इन्होंने कहा कि चलो ये मिडिल पाथ जो है, जो बीच का रास्ता है, ये बीच का रास्ता 8 अष्टांगिक मार्ग से होकर के जाता है, आप इन अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करो, इन अष्टांगिक 8-fold पाथ को फॉलो करो, तो ये दुख नहीं होगा आपको, और दुख नहीं होगा तो आप इस संसार में अच्छी तरीके से अपना जीवन जी पाओगे। तो ये जो 8-fold पाथ इन्होंने बताए, इसे अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ ओरिएंटेशन कहा जाता है। ये 8-fold पाथ हैं, नो द ट्रुथ, रेजिस्ट ईविल, से नथिंग टू हर्ट अदर्स, Respect life, work for the good of others, free your mind of evil, control your thoughts, practice meditation. These are the 8-fold paths which are also known as the middle path orientation. इसे middle path orientation भी कहा जाता है, मध्यम मार्गी प्रतिपदा भी कहा जाता है। By avoiding extremes and following the eightfold path, a person could attain nirvana or state of freedom from rebirth. तो इन्होंने कहा कि अगर इस बार बार के जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हो, तो ये 8-fold path तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, और अगर 8-fold path तुमने फॉलो किया, तब ये इस बार बार जन्म के कुचक्र से बच जाओगे और तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। निर्वाण का मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इन्होंने मोक्ष को नया नाम दिया निर्वाण। और जब इनकी खुद की मृत्यु हुई, तो इस
घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण इज अ प्लेस ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब मोक्ष की प्राप्ति है वो, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, इसे निर्वाण कहा गया। इसे बुद्ध धर्म में कहते हैं निर्वाण, बुद्धिज्म में कहा जाता है निर्वाण, लेकिन जैनिज्म में इसे कैवल्य कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है, वैदिक धर्म में मोक्ष, बुद्धिज्म में निर्वाण, जैन धर्म में कैवल्य। इन निर्वाणा अ पर्सन बिकम्स वन विद द यूनिवर्स, तो इस निर्वाण की प्राप्ति से वो व्यक्ति खुद ही ब्रह्मांड में समाहित हो जाता है, फिर वापस वो जन्म नहीं लेता। बुद्धा ऑल्सो रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम, ही बिलीव्ड दैट पर्सन्स प्लेस इन लाइफ डिपेंडेड ऑन द पर्सन नॉट हिज बर्थ स्टेटस। तो एक्चुअली वैदिक कल्चर में, लेटर वैदिक एज में जाके जो कास्ट सिस्टम था वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कर्म के आधार पर ऋग्वेद में बताया गया, लेकिन बाद में वो जन्म के आधार पर हो गया, और जन्म के आधार पर होने पर समाज दो, समाज चार भागों में विभक्त हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये जो कास्ट सिस्टम था, इस कास्ट सिस्टम को अवॉइड किया बुद्धिज्म ने, और सभी कास्ट के लोगों को दीक्षित किया, शिक्षा दी अपने बुद्धिज्म में आने के लिए। तो सबसे पहले दो शूद्रों को भी, पांच ब्राह्मण तो इन्होंने सारनाथ में ही शिक्षा दे करके बुद्धिज्म में संघ का स्थापना की, फिर सबसे पहले दो शूद्रों को भी इन्होंने धर्म की शिक्षा दी, बुद्धिज्म की शिक्षा दी, और उन्हें बुद्धिज्म में अडॉप्ट किया। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, मॉन्क्स कैरीड द रिलीजन टू अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, एज द रिलीजन स्प्रेड डिसएग्रीमेंट्स ब्रोक आउट अमंग द फॉलोअर्स। तो जैसे जैसे बुद्धिज्म का विस्तार होता गया, जैसे जैसे बुद्धिज्म फैलता गया, वैसे वैसे बुद्धिज्म में बहुत सारे नए नए मत भी विकसित होने लगे। जैसे हीनयान और महायान में सबसे पहली बार बुद्धिज्म जो डिवाइड हुआ वो स्थावर और महासांघिक में डिवाइड हुआ था, स्थावरा एंड महासांघिका में डिवाइड हुआ था। फिर उसके बाद बुद्धिज्म का जो डिवीजन हुआ वो हीनयान और महायान में हुआ, और फिर वर्ल्ड वाइड जो बुद्धिज्म जाना गया वो थेरावादा से जाना गया। तो थेरावादा जो है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आज भी, क्लोजली फॉलोज दी ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्ध ने जो टीचिंग्स दी, जो सेरेमन्स दिए, जो उपदेश दिए, उनको वो एज इट इज फॉलो करते हैं थेरावादा वाले। और महायान वाले जो हैं ये मॉडर्नाइज्ड हैं, ये आजकल के परिप्रेक्ष्य में, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में उनकी दी गई शिक्षाओं को इंक्लूड करके मॉडर्नाइज्ड वे में उसको फॉलो करते हैं। चाइना, कोरिया और जापान में इसको फॉलो किया जाता है। और महायान वाले जो हैं ये महात्मा बुद्ध की, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बना करके उनकी पूजा करते हैं, जबकि हीनयान वाले जो लोग हैं, हीनयान के लोग इनकी मूर्तियों की पूजा नहीं करते, इनकी दी गई शिक्षाओं को एज इट इज पूजते हैं। तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म जैसे जब चाइना और कोरिया में हुआ, जापान में हुआ, तो इस टाइप के बुद्ध को बना करके लाफिंग बुद्धा स्टाइल में उनकी पूजा की जाने लगी है। जबकि जो ईस्ट एशिया, मतलब साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में, जो श्रीलंका और इंडोनेशिया, मलेशिया और अदर स्टेट्स में जहाँ पर इनकी पूजा होती है, तो इस टाइप से उनकी पूजा की जाती है। तो अब हम लोग बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु राज की राजधानी हुआ करती थी। तो लुम्बिनी आजकल कहाँ है? आजकल इंडो नेपाल बॉर्डर पर ये लुम्बिनी को माना जाता है। कपिलवस्तु जो है कुशीनगर, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के आगे नेपाल बॉर्डर पर पड़ते हैं, और फिर वहीं नेपाल बॉर्डर पर ये लुम्बिनी भी पड़ता है। इनके पिता शुद्धोधन थे जो मल्ल गणतंत्र के राजा थे, और इनकी माता थी महामाया जो सातवें दिन के बाद, इनके जन्म के सातवें दिन इनकी मृत्यु हो गई, और इन्हीं को स्वप्न में कमल और हाथी दिखाई दिए थे। और इनकी जो मौसी थी
इनकी मौसी ने, फॉस्टर मदर ने, प्रजापति गौतमी ने इनको बड़ा किया, इनका लालन पालन किया और इनकी पहली लेडी डिसाइपल भी बनी। इनकी इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह कर दिया गया था कि ताकि इनको दुख कष्ट क्या होते हैं ये पता ही ना चले। तो इनको यशोधरा कहा गया है। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर में बिम्बा या गोपा के नाम से भी जानी जाती हैं। तो बिम्बा और गोपा इन्हें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, बुद्धिस्ट लिटरेचर में नाम दिया गया है। और इनके जो सन प्राप्त हुआ, जो इनका पुत्र हुआ, उसका नाम था राहुल। तो जब ये 29 वर्ष की अवस्था हुई इनकी, तो 29 वर्ष की अवस्था में ये घर को त्याग देते हैं और घर को त्यागने की ये जो स्टेज है इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और उसे बुद्ध धर्म में घोड़े से दिखाया जाता है। जब घोड़ा दिखाते हैं तो इसका मतलब महाभिनिष्क्रमण है। और इनके पहले गुरु बने अलारा कलामा, इनके दूसरे गुरु बने रुद्रक रामपुत। तो रुद्रक रामपुत और अलारा कलामा की दी गई शिक्षाओं को के आधार पर इन्होंने निरंजना नदी के किनारे गया में, उरुवेल्ला में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति की। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसे महाबोधि कहा जाता है, एनलाइटमेंट कहा जाता है बुद्धिज्म में। ये महाबोधि, ये एनलाइटमेंट इनको 34 ईयर्स की एज में हुआ निरंजना नदी के किनारे। आजकल इस निरंजना नदी को पुनपुन रिवर कहा जाता है, पुनपुन रिवर। इन्होंने अपना पहला सरमन, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इस घटना में इन्होंने 5 डिसाइपल्स बनाए। ये 5 जो डिसाइपल्स थे, 5 शिष्य, ये ब्राह्मण थे और इन्होंने संघ की स्थापना की सारनाथ में। तपस्य और कल्लिका जो थे, ये तपस्य और कल्लिका 2 शूद्र थे। इन्होंने शूद्रों को भी संघ में शामिल किया। तो सबसे पहले जो शूद्र इस संघ में शामिल हुए वो थे तपस्य और कल्लिका। पहली लेडी फॉलोअर जो इनकी बनी वो थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी फॉस्टर मदर थी। मैक्सिमम सेरेमन्स इन्होंने श्रावस्ती में दिए, जो कि कौशल राज की राजधानी हुआ करती थी। महापरिनिर्वाणा, तो जब इनकी 80 वर्ष की अवस्था हो गई, तो 80 वर्ष की अवस्था में ये अपना उपदेश देने पहुंचे कुशीनगर में। और कुशीनगर में ये अपना उपदेश दे रहे थे और सुभेक्ष नाम का एक शूद्र था, उसके घर में रुके। तो सुभेक्ष की पत्नी ने, अब रात में अंधेरा था, लाइट वाइट तो रहती नहीं, तो गलती से सुअर का मांस खिला दिया इनको, परोस दिया और सुअर का मांस ये खा गए। तो जब अगले दिन पता चला कि ये सुअर का मांस था, तो अब इनको ये बड़ा धक्का लगा कि पूरी ज़िंदगी भर तो इन्होंने अहिंसा को फॉलो किया है, पूरी ज़िंदगी भर तो इन्होंने नॉन वायलेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं और अब 80 वर्ष की अवस्था में आकर के इनसे हिंसा हो गई। तब इन्होंने कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया और इनको डिसेंट्री हो गई, इनको डिहाइड्रेशन हो गया। और डिहाइड्रेशन होने की वजह से 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाणा। तो 483 BC में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो बुद्धिज्म में बुद्ध के जीवन की इन घटनाओं को अलग अलग सिंबल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे जब इनका जन्म हुआ तो जन्म को कमल, हाथी और बुल से दिखाते हैं। महाभिनिष्क्रमण की घटना घोड़े से दिखाई जाती है, हॉर्स से। महाबोधि, एनलाइटमेंट को बोधि ट्री से दिखाते हैं, पीपल वृक्ष से। धर्म चक्र प्रवर्तन को टर्निंग ऑफ व्हील से दिखाया जाता है, घूमते हुए पहिए से दिखाया जाता है। और महापरिनिर्वाण को स्तूपाज और फुटप्रिंट से दिखाते हैं, पद चिन्हों से दिखाते हैं बुद्ध के। स्तूपाज क्या होते हैं? तो स्तूपाज देखिए, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में 3 टाइप के आर्किटेक्चर्स डेवलप किए गए। ये 3 आर्किटेक्चर्स थे,
विहार, सबसे पहला था चैत्य, चैत्य सबसे पहला था चैत्य, दूसरा था विहार और थर्ड था स्तूपाज। तो चैत्य उसे कहा जाता था जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, मतलब बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स शिक्षा प्राप्त करते थे, जिसे स्कूल आजकल हम तो कहते हैं, विद्यालय कहा जाता है, तो इसे चैत्य कहा जाता था। और चैत्य के बाद जब स्टूडेंट्स अपने आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, रात में सोने के लिए रुकते थे, इसे विहार कहा जाता था। तो चैत्य, विहार, तो ये हो गए। स्तूपास क्या थे? स्तूपास वो जगह थी जहाँ पर बुद्धिज्म, महात्मा बुद्ध के लास्ट रिमेन्स को रखा गया था। और ये जो लास्ट रिमेन्स रखे गए, जैसे कहीं पर बाल रखे गए, कहीं पर नाखून रखे गए, कहीं पर उनका अस्थि कलश रखा गया, तो इन स्थानों को स्तूपा कहा जाता है, स्तूपाज। तो बहुत सारे स्तूप बनाए गए, जैसे भाबरू बैराग का स्तूप है, जैसे सांची का स्तूप है, और बहुत सारे और भी स्तूप हैं। लेकिन सांची का स्तूप जो है, ये महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 300 सालों के बाद अशोक ने बनवाया, उनके समय का नहीं, उनके समकालीन नहीं है। और ना केवल इंडिया में, भारत के बाहर भी बहुत सारे स्तूपों का निर्माण हुआ है। तो ये महापरिनिर्वाण की घटना को फुटप्रिंट और स्तूपाज से दिखाया जाता है। ये फोर नोबल ट्रुथ्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, दुख, दुख समुद्र, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से जाने जाते हैं। एट फोल्ड पाथ, मिडिल पाथ ओरिएंटेशन डेवलप हुआ। अब महात्मा बुद्ध के समय और उनके मृत्यु के बाद भी अभी तक चार बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, फोर बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं। सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 483 में, जब उनकी मृत्यु हुई। ये राजगीर में अजात शत्रु ने इसे ऑर्गेनाइज करवाया था, और अजात शत्रु ने इसका जो अध्यक्ष बनाया, ये महाकश्यप को बनाया था। महाकश्यप ने इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में दो पिटक डेवलप करवाए, और ये दो पिटक डेवलप करवाए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक आनंद ने लिखा, विनय पिटक की रचना की उपाली ने। सुत्त पिटक को डिक्शनरी ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। सारे जितने भी महात्मा बुद्ध के दिए गए प्रवचन थे, वो सुत्त पिटक में ही लिखे गए। फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को 383 BC में वैशाली में कालाशोक ने ऑर्गेनाइज करवाया था, और कालाशोक ने इस सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन बनाया सब कामी को। सब कामी ने इस सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में अब पहली बार बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था, स्थावेरा और महासांघिका में। तो स्थावेरा जो थे वो ट्रेडिशनल्स कहे जाते थे, और महासांघिका वाले जो थे वो चेंज गोअर्स कहे जाते थे, मतलब जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को एज इट इज फॉलो करते थे उन्हें स्थावेरा कहा गया, और जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके मॉडर्नाइज वे में फॉलो करते हैं उन्हें महासांघिक कहा गया। तो पहली बार बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हुआ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में 383 BC में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोका ने ऑर्गेनाइज करवाई। उस समय अशोक रूलर था, वो मौर्य वंश का तीसरा सक्सेसर था,
और मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, और जैन धर्म स्वीकार करके उसने पहली जैन संगीति करवाई थी। तो चेयरमैन बनाया तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल का मोगलीपुत्र तिस्सा को। मोगलीपुत्र तिस्सा ने तीसरा पिटक लिखा। देखिए बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसे पिटक कहा जाता है, और ये तीन पिटक हैं जो अभी हम लोगों ने देखे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक की रचना की मोगलीपुत्र तिस्सा ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ने। और इसके अलावा जातक टेल्स भी हैं, जातका लिटरेचर्स भी हैं बुद्धिज्म में, और ये जो जातका लिटरेचर है ये महात्मा बुद्ध की दी गई, जो महात्मा बुद्ध के पूर्व की जो घटनाएं हैं, पूर्व जन्म की घटनाएं, जैसे महात्मा बुद्ध कभी हिरण बने, कभी उस अपने जन्म से पहले शेर बने, कभी अपने जन्म से पहले हाथी बने, तो इस तरह की जो पूर्व जन्म की उनकी कथाएं हैं उन कथाओं को जातक कथाओं में लिटरेचर की फॉर्म में मेंशन किया गया है। तो ये पिटकाज और जातकाज बुद्धिस्ट टेक्स्ट के फॉर्म में जाने जाते हैं, ज्यादातर इन्हें पाली लैंग्वेज में मेंशन किया गया है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पहली शताब्दी ईस्वी में हुई, फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में हुई, और इसे कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क ने ऑर्गेनाइज करवाया, और इसका चेयरमैन बनाया गया वसुमित्र को, इसका डेप्यूटी चेयरमैन बनाया गया अश्व घोष को, और इसमें हीनयान और महायान में फाइनली बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और यही हीनयान और महायान आज भी हम लोग जानते हैं, देखते हैं। हीनयान में वो लोग आए जिन्होंने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को एज इट इज फॉलो किया, लेकिन उनकी मूर्तियां बना करके नहीं किया, ये मूर्ति पूजक नहीं थे, दे वर नॉट कंसीडर्ड एज आइडल वर्शिपर। जबकि मूर्तियां बना करके महायान में महायान फॉलोअर्स ने महात्मा बुद्ध को ट्रेडिशनल वे से हट करके पूजना स्टार्ट किया। तो ये मॉडर्नाइज कल्चर में महायान आज भी चाइना, जापान और कोरिया जैसे देशों में देखा जाता है। चलिए अब हम लोग जैनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैनिज्म उतना ही पुराना धर्म है जितना पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद में भी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये जैन धर्म के बहुत बड़े एक प्रीचर रहे, जिनका मूर्ति कर्नाटका के श्रवण बेलगोला में लगाई गई है। और कर्नाटका के श्रवण बेलगोला में इस मूर्ति को गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, और नॉर्मल लैंग्वेज में इसे भगवान बाहुबली कहते हैं, भगवान बाहुबली की मूर्ति। और ये गोमतेश्वर या भगवान बाहुबली का हर 12वें वर्ष में महामस्तकाभिषेक आज भी किया जाता है। बहुत बड़ी 150 फीट ऊंची ये मूर्ति है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, और इसे उस समय के राजा चामुंड राय ने बनवाया था, चामुंड राय ने बनवाया था। तो चलिए जैनिज्म पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। हिंदू धर्म के समान ही ये भी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में डेवलप हुआ, और इसमें बहुत ही ज्यादा नॉन वायलेंस को पूजा जाता है। नॉन वायलेंस के कारण ये बहुत ही ज्यादा रिजिड और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिलीजन बनकर के सामने आया है, और इसी वजह से जितने फॉलोअर्स भगवान बुद्ध के हैं, मतलब जितने बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ उतना ज़्यादा एक्सपेंशन जैनिज्म का नहीं हो पाया। पुराना तो उतना ही है जितना ऋग्वेद था, लेकिन आज भी बहुत ही लिमिटेड टेरिटरी में बहुत ही लिमिटेड लोग इसको फॉलो करते हैं, इसके अनुयायी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा रिजिड और बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंट रिलीजन है ये। यहाँ इसमें खेती करना भी अलाउ नहीं है, आप खेती भी नहीं कर सकते, हल नहीं चला सकते, क्योंकि इससे भी इंसेक्ट जो है वो मर जाते हैं।
जो कीड़े मकौड़े हैं मिट्टी में वो मर जाते हैं, तो हिंसा होती है, तो ये भी नहीं कर सकते आप। इवन ये लोग खुद झाड़ू लगाते हैं ताकि जो हमारे पैरों से जो इंसेक्ट कीड़े मकौड़े दब करके मर जाते हैं वो साइड लाइन होते जाएं, वो ना मरे, तो खुद इनके रास्तों में झाड़ू वाड़ू लगाई जाती है, साफ सफाई की जाती है, पानी को उबाल करके ये पीते हैं सुबह शाम दिन रात, ताकि जो पानी में कीड़े मकौड़े हैं वो इनके शरीर में जाएंगे तो हिंसा होगी। कपड़ा लगाते हैं दिन भर मुंह के सामने ताकि जो एयर में इंसेक्ट्स हैं वो इनके शरीर में ना चले जाएं और ये हिंसा ना हो जाए। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिलीजन है ये और स्ट्रिक्टनेस फॉलो करते हैं, इसी वजह से इनका इतना एक्सपेंशन नहीं हो पाया है। तो तीर्थंकरों की बात करें तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और इसमें सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ, दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, थर्ड थे संभवनाथ और फोर्थ थे अभिनंदन देव। तो रासा, आर ए एस ए करके याद रखिए रासा। तो ये चार अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चार के अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वॉज द तीर्थंकर, हु वॉज अ लेडी तीर्थंकर इन जैनिज्म। तो महिला तीर्थंकर के रूप में कौन जाना जाता है जैनिज्म में, तो वो थी 19th नंबर की तीर्थंकर मल्लीनाथ। 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, 22वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमी, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है और लास्ट तीर्थंकर से पहले, मतलब दो ही तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके एविडेंसेस मिलते हैं, बाकी किसी के भी एविडेंस नहीं मिलते, इनकी क्रोनोलॉजी बस मिलती है। तो 23वें और 24वें तीर्थंकर को ही मेन इंपॉर्टेंट तीर्थंकर माना जाता है। अरिष्ट नेमी को छांदोग्य उपनिषद में भी मेंशन किया गया है, ये भगवान कृष्ण के टाइम के कंटेम्पररी माने जाते हैं अरिष्ट नेमी, और इनसे पहले के थे 21वें नंबर के थे नेमिनाथ। तो हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पार्श्वनाथ के पिता थे अश्वसेन जो कि बनारस में काशी के राजा थे, और इनकी माता थी वामा देवी जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। 100 वर्ष की अवस्था में इनको समेत शिखर पर कैवल्य की प्राप्ति हुई, मतलब मोक्ष प्राप्ति हुई, निर्वाण प्राप्ति हुई, तो इसे जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। और जिसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो जिन कहलाने लगता है। और जिन धर्म नाम से ही, जिन शब्द से ही जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। और इनका जो सिंबल है वो स्नेक से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में और इन 24 तीर्थंकरों को अलग अलग सिंबल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पार्श्वनाथ का सिंबल है स्नेक, और इन्होंने, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में चार प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया, और ये चार प्रिंसिपल्स जो पार्श्वनाथ ने इंक्लूड किए थे ये थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा तो सभी को पता है, नॉन वायलेंस। सत्य मतलब ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल। अस्तेय होता है कभी चोरी ना करना, कभी किसी भी चीज़ की चोरी ना करना, और अपरिग्रह होता है कभी किसी चीज का संचय ना करना। तो आपने हो सकता है सुना हो, पूत कपूत तुकाधन संचय, पूत सपूत तुकाधन संचय, मतलब अगर आपका पुत्र कपूत है तो आपने जितना भी कुछ संचित किया है, जितना भी कुछ अपने जीवन भर कमाया है, वो सब उड़ा देगा, तब फिर किस बात के लिए संचय कर रहे हैं। और अगर आपका पूत सुपुत्र है तो वो आपके दिए हुए धन से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, वो खुद अपना एम्पायर डेवलप कर लेगा, वो आपसे ज़्यादा धन कमा लेगा, तो फिर आप किस लिए संचय कर रहे हैं। तो पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, तो ये अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट है। एट प्रेजेंट देर आर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। तो ये चार तो दिए थे पार्श्वनाथ ने, पांचवा प्रिंसिपल जो दिया था, ये पांचवा प्रिंसिपल दिया था खुद 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने, और इसे कहा जाता है
ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इसे महावीर स्वामी ने इंक्लूड किया है जैन ट्रेडिशन में। तो एट प्रेजेंट देर आर फाइव ट्रेडिशंस इन जैनिज्म। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे पार्श्वनाथ के बारे में, अब हम लोग डिस्कस करते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। तो इनका जो जन्म था ये 540 BC में हुआ, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। इनके पिता थे ज्ञात्रिक गणराज्य के राजा सिद्धार्थ और इनकी माता थी त्रिशला। त्रिशला खुद लिच्छवी राजकुमारी थी और उस समय के रूलर, लिच्छवी रूलर चेतक की बहन हुआ करती थी त्रिशला। और इनका भी विवाह हो चुका था, जिनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई विवाह के बाद ही हुई है। तो इनका विवाह हुआ यशोदा से और इनकी जो पुत्री थी, इन पुत्री को प्रियदर्शना के नाम से जाना जाता है या जैन लिटरेचर में अनुज्ञा के नाम से जाना जाता है। इनका विवाह, प्रियदर्शना का विवाह जामाली नाम के एक युवक से कर दिया गया और ये जो जामाली युवक था ये महावीर स्वामी का पहला डिसाइपल बना, फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर स्वामी। अब जैसे 29 इयर्स की एज में महात्मा बुद्ध ने घर को त्याग दिया था, वैसे ही 30 वर्ष की एज में, 30 इयर्स की एज में महावीर स्वामी ने घर को त्याग दिया। और घर को त्यागने के बाद 12 वर्षों तक ये लगातार तपस्या करते रहे और इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। ये 42 इयर्स की एज में ही बिकेम जिन, एट द एज ऑफ 42 इयर्स ही बिकेम जिन। और इन्हें जो कैवल्य की प्राप्ति हुई ये जिम्भिक ग्राम में हुई, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। तो देखिए अंतर है दोनों में, हम लोगों ने अभी वहां बुद्धिज्म में क्या डिस्कस किया था, जैनिज्म में बिल्कुल डिफरेंट है। तो जिम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति होती है 42 इयर्स की एज में। और 72 इयर्स की एज में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई 468 BC में पावापुरी में। और इनका जो सिंबल है ये शेर से, सिंह से दिखाया जाता है, लॉयन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को तो ऐड किया ही, 5 अणुव्रत, 5 नोबल ट्रूथ्स तो बताए ही जैन धर्म में, लेकिन इसके अलावा इन्होंने त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया। और ये त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये 3 त्रिरत्न कहे जाते हैं जैनिज्म में। इसके अलावा इन्होंने जैनिज्म में एक नया सिद्धांत इंट्रोड्यूस किया जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद भी कहा जाता है। अनेकांतवादा और स्यादवादा वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय महावीर स्वामी इन जैनिज्म। इसमें क्या होता है अनेकांतवाद में कि हर कोई आपस में एक इंडिविजुअल एंटिटी है, इस भीड़ में होते हुए भी वो एक इंडिविजुअल एंटिटी के रूप में जाना जाता है, वो भीड़ में भी अलग है, एक है, एकांतवाद इसे कहा जाता है। तो डिवीजन ऑफ जैनिज्म, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो महावीर स्वामी के 2 शिष्य हुआ करते थे, स्थूल भद्र और भद्रबाहु। स्थूल भद्र और भद्रबाहु, तो ये स्थूल बाहु ने नॉर्थ इंडिया में मगध में श्वेतांबर की स्थापना की। हुआ क्या कि भद्रबाहु जो थे उस समय अकाल पड़ा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद,
और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भद्रबाहु इस अकाल से बचने के कारण बचना चाहते थे और वो दूर दक्षिण में चले गए और दक्षिण में जाकर के कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में भद्रबाहु ने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की, जबकि जो नॉर्थ इंडिया में ही रह गए, पटना बिहार पाटलिपुत्र में ही रह गए, स्थूल बाहु ने सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू किया, वाइट क्लैड हो गए और इन वाइट क्लैड कम्युनिटी को कहा जाता है श्वेतांबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर दो सेक्ट डेवलप हुए आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर स्वामी। दिगंबर का मतलब होता है दिक, मतलब दिशाएं, अंबर मतलब कपड़े, जो दिशाओं को कपड़ों की तरह उड़ते लपेटते हैं, दसों दिशाओं को कपड़ों की तरह उड़ने लपेटने वाले लोगों को कहा गया दिगंबर। और दिगंबर सेक्ट को इंट्रोड्यूस किया भद्रबाहु ने। तो जैन धर्म में जितना लिटरेचर लिखा गया वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया और इसे अंग और आगम कहा जाता है। आगम एंड अंगा, ये लिटरेचर जैन धर्म का है। जैसे बुद्धिज्म में चार काउंसिल्स हुई हैं, जैनिज्म में दो काउंसिल्स हुई हैं। तो सबसे पहली काउंसिल 320 से 300 ईसा पूर्व के बीच पाटलिपुत्र में हुई, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑर्गेनाइज कराया और इसका चेयरमैन बनाया गया स्थूल बाहु को, और इसमें 12 आगम लिखे गए, 12 आगम लिखे गए। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल 512 ईस्वी में होती है, 512 एडी में होती है, वल्लभी गुजरात में। च्यामा शर्मा उस समय गुजरात के रूलर थे और च्यामा शर्मा ने देवर्धिमणि को इस सेकेंड जैन काउंसिल का चेयरमैन बनाया, अध्यक्ष बनाया, और फाइनली जैन लिटरेचर मतलब आगम और अंग बना दिए गए, लिख दिए गए। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे महाजनपद एज। तो आज इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।